Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is mandatory hallmarking. PIB ke nuje important ho jata hai janenge iske bare mein. The third phase of mandatory hallmarking in India started recently, which include an additional 555 district, bringing the total number of district covering under this system to 343. जो तीसरा फेज है आपका मैंडेटरी हॉलमार्किंग का भारत में, ये अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है। इसमें इंक्लूड किया गया है एडिशनल 55 डिस्ट्रिक्ट को। अब इससे क्या हुआ, इसको ऐड करने के बाद जो टोटल नंबर है डिस्ट्रिक्ट का जिसको कि कवर किया जा रहा है मैंडेटरी हॉलमार्किंग के अंतर्गत, वो आपका 343 हो गया है। बाद में और भी डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा इसके अंतर्गत। हॉलमार्किंग होता क्या है? हॉलमार्किंग इज ए लाइक ए क्वालिटी स्टाम्प फॉर ज्वेलरी एंड प्रीशियस मेटल आइटम। इट टेल्स यू हाउ प्योर और गुड द मेटल इज। हॉलमार्किंग जो है वो एक क्वालिटी स्टाम्प के रूप में है ज्वेलरी या प्रीशियस मेटल आइटम के लिए। ये बताता है कि कितना प्योर या गुड जो मेटल है। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉलमार्किंग स्कीम आर टू प्रोटेक्ट द पब्लिक अगेंस्ट एडल्ट्रेशन एंड टू ऑब्लिगेट मैन्युफैक्चर टू मेंटेन लीगल स्टैंडर्ड ऑफ फाइननेस। और जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है हॉलमार्किंग स्कीम का कि प्रोटेक्ट किया जाए पब्लिक को एडल्ट्रेशन के खिलाफ और ऑब्लिगेट किया जाए मैन्युफैक्चर को कि वो मेंटेन करे लीगल स्टैंडर्ड को। हॉलमार्किंग इन इंडिया, जो हॉलमार्किंग है भारत में, एट प्रेजेंट टू प्रीशियस मेटल नेमली गोल्ड एंड सिल्वर हैव बीन ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ हॉलमार्किंग। अभी क्या है, जो दो प्रीशियस मेटल है नेमली गोल्ड और सिल्वर जो है उसको लाया गया है हॉलमार्किंग के अंतर्गत। मैंडेटरी हॉलमार्किंग ऑर्डर इज एप्लीकेबल ऑन 14, 18 एंड 22 कैरेट ऑफ गोल्ड ज्वेलरी आर्टिफैक्ट ओनली। और जो मैंडेटरी हॉलमार्किंग ऑर्डर है ये आपका एप्लीकेबल है 14, 18 और 22 कैरेट ऑफ गोल्ड ज्वेलरी या आर्टिफैक्ट में ही। BIS assign a unique HUID hallmark unique ID number to all hallmark item। और जो BIS है वो assign करते हैं एक unique HUID hallmark unique ID number को सारे ही hallmark item के लिए। Consumer can verify the authenticity of hallmark item using the verify HUID feature in the BIS care app। और जो कंज्यूमर है वो वेरीफाई कर सकते हैं ऑथेंटिसिटी को हॉलमार्क आइटम का उपयोग करके वेरीफाई HUID फीचर का BIS केयर ऐप में। हॉलमार्किंग स्कीम के बारे में हम जान ले। अंडर द हॉलमार्किंग स्कीम ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ज्वेलर्स आर रजिस्टर्ड फॉर सेलिंग हॉलमार्क ज्वेलरी एंड रिकॉग्नाइज टेस्टिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर। जो आपका हॉलमार्क स्कीम है उसके अंतर्गत ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है ज्वेलर्स वो रजिस्टर करते हैं सेल करने के लिए हॉलमार्क ज्वेलरी को और रिकॉग्नाइज किया जाता है उनको टेस्टिंग और हॉलमार्किंग सेंटर के लिए। मैंडेटरी हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, जो मैंडेटरी हॉलमार्किंग की बात कही गई है गोल्ड ज्वेलरी के लिए, तो मैंडेटरी हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी जो है ये आपका फोर्स में आया कब से, जून 2021 से। पहले फेज में जो मैंडेटरी हॉलमार्किंग था उसको इम्प्लीमेंट किया गया था 256 डिस्ट्रिक्ट के लिए कंट्री के, जो कि इफेक्ट में आया था 23 जून 2021 से। सेकेंड फेज में एडिशनल 32 डिस्ट्रिक्ट को डाला गया और तीसरे फेज में 55 डिस्ट्रिक्ट को ऐड किया गया है। मकसद क्या है इस स्कीम के पीछे का, प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर को जो विक्टिमाइजेशन होता था इरेगुलर गोल्ड या सिल्वर क्वालिटी के कारण, और डेवलप करना इंडिया को एक लीडिंग गोल्ड मार्केट सेंटर के रूप में वर्ल्ड का, और डेवलप करना एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फुजियान वेनेटर, तो हम जानेंगे फुजियान वेनेटर के बारे में। साइंटिस्ट इन चाइना हैज अनकवर्ड फॉसिल ऑफ ए पिकुलियर बर्ड लाइक डायनासोर नेम फुजियान वेनेटर प्रोडिगॉसस विच लिव अराउंड 148 टू 150 मिलियन ईयर अगो इन साउथ ईस्ट चाइना। जो साइंटिस्ट है चाइना के, उन्होंने अनकवर किया है फॉसिल्स को जो एक पिक्यूलियर बर्ड लाइक डायनासोर है जिसका नाम है फुजियान वेनेटर प्रोडिगॉसस, जो कि रह रहे थे 148 से 150 मिलियन ईयर अगो साउथ ईस्ट चाइना पे। This dinosaur had long legs and arms resembling wings with an unusual anatomy suggesting it may have been a fast runner or lived like a modern wading fern। ये जो डायनासोर है इसका लॉन्ग लेंथ था, आर्म्स जो थे वो रिसेम्बल कर रहे थे विंग्स के जैसे। ये इसका जो अनयूजुअल एनाटॉमी था ये सजेस्ट कर रहा था कि हो सकता है कि ये फास्ट रनर हो या वो रहते हो मॉडर्न वेडिंग बर्ड के जैसा। रिसर्चर बिलीव दैट फुजियान वेनेटर शेड लाइट ऑन ए क्रिटिकल इवोल्यूशन स्टेज इन द ओरिजिन ऑफ बर्ड्स। और रिसर्चर का मानना है कि जो फुजियान वेनेटर है ये लाइट डाल रहा है जो क्रिटिकल इवोल्यूशनरी स्टेज हुआ था ओरिजिन में बर्ड्स का, उस पर प्रकाश डालता है। क्या फीचर्स हम समझ ले, इट इज डिस्क्राइब एज ए बिजायर एनिमल विथ बर्ड लाइक फीचर बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस सच एज थ्री क्लॉज ऑन इट्स विंग लाइक फोर लिम्ब। इसको डिस्क्राइब किया गया है बिजार एनिमल के रूप में जिसमें कि बर्ड्स के जैसा फीचर्स देखा गया है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस भी है जैसे कि थ्री क्लॉज है और इसके विंग्स लाइक फोर लिम्ब पे। फुजियान वेनेटर डिस्कवरी कंट्रीब्यूट टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ बर्ड्स विच इवॉल्व फ्रॉम टू लेग फीचर डायनासोर नॉन एट टेरापोड ड्यूरिंग द लेट जुरैसिक पीरियड।
और जो फ्रोजियन विनेटर डिस्कवरी है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे समझने में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को बस का, जो कि इवॉल्व हुए थे टू लेग फेडर डायनासोर, जिसको कि हम टेरापोड कहते हैं लेट जोरासिक पीरियड पे। ये जो फॉसिल्स है ये रिलेटिवली कंप्लीट है लेकिन लैग कर रहा है स्कल को और जो पार्ट है उनका फिट का, जो कि चैलेंजिंग बना देता है डिटरमाइन कर पाना कि एग्जैक्ट लाइफस्टाइल या डाइट क्या होगा उनका। नोटेबली इस लोअर लेग बोन टिबिया वाज अनयूजुअली लॉन्ग कंपेयर टू इट थाई बोन फीमर, अ फीचर डिस्टिंग फॉर अदल्ट टेरापोड लाइक ट्रायनोसोरस। और नोटेबली इनका जो लोअर लेग बोन है टिबिया वो यूजुअली लॉन्ग था अगर हम कंपेयर करें थाई बोन फीमर से इसको तो, और ये एक फीचर जो है वो डिस्टिंक है दूसरे टेरापोड जैसे कि टाइनोसोरस से, जो कि इसको यूनिक बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा व्हाइट सांबर डियर, तो हम जानेंगे व्हाइट सांबर डियर के बारे में। रिसर्चर हैव मेड अ रियल डिस्कवरी ऑफ व्हाइट सांबर डियर विथ ए कंडीशन कॉल ल्यूटिज्म रिजल्टिंग इन व्हाइट और पेल स्किन इन डिकावरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कर्नाटक। जो रिसर्चर है उन्होंने एक रियल डिस्कवरी किया है व्हाइट सामर डियर के लिए, जो एक कंडीशन है जिसको कि ल्यूटिज्म कहा गया है, जिसके कारण व्हाइट या पेल स्किन होता है कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कर्नाटका पे। ल्यूटिज्म इज ए जेनेटिक कंडीशन दैट अफेक्ट द पिगमेंटेशन ऑफ एन एनिमल स्किन फेदर स्केल और फर, जो अनलाइक एल्बिनिज्म विच काउज ए कम्प्लीट एब्सेंस ऑफ पिगमेंट, ल्यूटिज्म रिजल्ट इन पार्शियल लॉस ऑफ पिगमेंट लीडिंग टू व्हाइट और पेल कलरेशन इन अफेक्टेड एरिया। जो ल्यूटिज्म है ये एक जेनेटिक कंडीशन है जो कि अफेक्ट करता है पिगमेंटेशन को एनिमल के स्किन फेडर स्केल और फर के लिए, जैसा कि आपका अल्बिनिज्म होता है जिसके कारण कंप्लीट एब्सेंस हो जाता है पिगमेंट का, ल्यूटिज्म के कारण पार्शियल लॉस होता है पिगमेंट का, इस कारण व्हाइट या पेल कलरेशन देखा जाता है अफेक्टेड एरिया पे। कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी हम जान ले, ये जो सेंचुरी आपका ये फैला हुआ है 3 डिस्ट्रिक्ट में और सर्व करता है क्रिटिकल कनेक्शन के रूप में। बैनरघाटा नेशनल पार्क इसके नॉर्थ पे है और बिलगिरी रामास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व और मलेल महेश्वरी हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके साउथ में है। और ये आपका कहाँ पर है, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो कर्नाटका पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर आर्म सबमरीन, तो हम जानेंगे न्यूक्लियर आर्म सबमरीन के बारे में। रिसेंटली नॉर्थ कोरिया इज इंट्रोड्यूस द फर्स्ट ऑपरेशनल टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नोन एज सबमरीन नंबर 841 विच हैज बीन असाइन टू पेट्रोल द वॉटर बिटवीन कोरियन पेनिनसुला एंड जापान। अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने इंट्रोड्यूस किया है उसका पहला ऑपरेशनल टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को, जिसका नाम है सबमरीन नंबर 841, जिसको असाइन किया गया है काम कि वो पेट्रोल करेंगे जो वाटर है कोरियन पेनिनसुला और जापान के बीच का वहां पे। दिस सबमरीन नेम हीरो किम कुन ओक इज डीम्ड अ की कॉम्पोनेंट ऑफ नॉर्थ कोरिया नेवल फोर्स एंड इज लाइकली टू मॉडिफाइड वर्जन ऑफ सोवियत इरा रोमियो क्लास सबमरीन एक्वायर फ्रॉम चाइना इन द 1920। और ये जो सबमरीन है जिसका नाम हीरो किम कुन ओक रखा गया है, ये टीम करता है की कंपोनेंट नॉर्थ कोरिया के नोबल फोर्स के लिए और ये एक मॉडिफाइड वर्जन है सोवियत इरा रोमियो क्लास सबमरीन का, जिसको एक्वायर किया गया था चाइना से 1970 पे, उसी का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। इट इज इक्विप्ड विद 10 लॉन्च ट्यूब हैचेज सजेस्टिंग इट मे कैरी बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल, और ये इक्विप्ड है 10 लॉन्च ट्यूब हैचेज के साथ, जो कि दर्शाता है कि ये कैरी कर सकता है बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल को भी। TNW typically refer to short range weapons that have not been classified as strategic under strategic arms reduction treaty. और जो आपका TNW है typically refer करता है short range weapon के लिए, जिसको नहीं classify किया गया है strategic under strategic arms reduction treaty के। Next topic है वरुणा 23 PIB की न्यूज important हो जाता है। Recently the 21st edition of India France bilateral naval exercise वरुणा 23 took place in Arabian Sea. तो कहां पे हुआ, किस कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अभी हाल ही में जो 21st एडिशन था इंडिया फ्रांस बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज का वरुणा 23 का, ये आपका अरेबियन सी पे हुआ है। तो ये आपका नेवल एक्सरसाइज है भारत और फ्रांस के बीच का, अरेबियन सी पे हुआ है। ये जो एक्सरसाइज था ये इन्वॉल्व कर रहा था गाइडेड मिसाइल फ्राइगेट को, टैंकर, मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर को, दोनों ही इंडियन और फ्रेंच नेवी का। हिज एक्सरसाइज हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री डेटिंग बैक टू 1993 एंड हैज इवॉल्व इनटू अ सिंबल ऑफ स्ट्रांग इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग कॉपरेशन इन मैरिटाइम सिक्योरिटी। और ये जो एक्सरसाइज है इसका लॉन्ग हिस्ट्री है, ये आपका 1993 के समय से चला आ रहा है और ये इवॉल्व किया है एक सिंबल के रूप में स्ट्रांग इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के लिए। ये प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म को लर्निंग कॉपरेशन के लिए मैरिटाइम सिक्योरिटी के एरिया पे, अडल्ट डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। इसके अलावा जो दूसरा डिफेंस एक्सरसाइज है भारत और फ्रांस के बीच में, वरुणा तो आपको पता चल गया नेवल एक्सरसाइज है, डेजर्ट नाइट 21 और गरुड़ा जो है ये भारत और फ्रांस के बीच में एयर एक्सरसाइज है, और जो शक्ति है ये आपका आर्मी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टिमोर लिस्ट है, तो हम जानेंगे टिमोर लिस्ट के बारे में। रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस द ओपनिंग ऑफ एन इंडियन एम्बेसी इन दिल्ली द कैपिटल सिटी ऑफ टिमोर लिस्ट ड्यूरिंग द 20th एशियन इंडियन समिट इन जकार्ता।
डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये जो 20th एशियन इंडिया समिट था वो कहाँ हुआ था। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि ओपन कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी को दिल्ली पे, जो कि कैपिटल सिटी है टिमोर लिस्ते के। 20th एशियन इंडिया समिट जो जकार्ता में हुआ था उस दौरान, टिमोर लिस्ते जो है वो साउथ एशियन नेशन है जो कि ऑक्यूपाई करता है हाफ जो आइलैंड है टिमोर का, और ये रिंग करता है कोरल रिफ टीमिंग से मैराइन लाइफ का। ये कंप्राइज करता है ईस्टर्न हाफ को आइलैंड का जो कि टिमर है, जबकि वेस्टर्न हाफ को एडमिनिस्टर किया जाता है इंडोनेशिया के द्वारा। ये जो एक्सक्लेव है ऑस्ट्रेल का आइलैंड नॉर्थ वेस्टर्न हाफ पे, और जो माइनर आइलैंड है अटोरा जको का। ऑस्ट्रेलिया जो है कंट्री जो कि साउथर्न नेबर है, जो कि सेपरेटेड है टाइमोर सी से, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, तो हम देखेंगे इसको मैप में। टिमर लिस्टे जो था वो पोर्टुगीज कॉलोनी था 1975 तक, उसके बाद इंडोनेशियन रूल जो है कॉन्फ्लिक्ट में आया। 1999 में इसको इंडिपेंडेंस मिला यूएन स्पॉन्सर एक्ट की मदद से, और वो पहला सॉवरेन स्टेट बना 21st सेंचुरी का 2002 पे। ये आप देख सकते हैं टिमोर लिस्टे को जो कि लोकेटेड है आपका कहाँ पे, ये आपका वेस्ट टिमोर हो गया इंडोनेशिया के एरिया, वो आपका ईस्ट टिमोर हो गया जिसकी आपकी कैपिटल दिल्ली है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो हम जानेंगे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। ऑन द साइडलाइन ऑफ G20 समिट इन न्यू दिल्ली, अमाउ वॉज साइन बिटवीन इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, यूएई, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली टू एस्टैब्लिश इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो किस किस कंट्री के बीच में साइन किया गया इसको इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो G20 समिट हुआ था न्यू दिल्ली पे, उस दौरान एक मऊ को साइन किया गया था भारत, यूएस, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, यूएई, फ्रांस, जर्मनी और इटली के बीच में, कि वो सब मिलकर इस्टेब्लिश करेंगे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को। ये आपका इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, यह आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसका मकसद है क्रिएट करना कनेक्टिविटी को रेल और शिपिंग नेटवर्क के माध्यम से, एनर्जी केबल और डाटा लिंक के द्वारा। डिटेल्स में हम जानते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। पार्टिसिपेटिंग कंट्री कौन कौन सी है, इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूएसए और यूरोपियन यूनियन। ये कंट्री का नाम आपको मेमोराइज होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, इसका मकसद है कि बूस्ट किया जाए ट्रेड को, क्लीन एनर्जी को और इकोनॉमिक ग्रोथ को, और प्रोवाइड किया जाए एक अल्टरनेटिव चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। ये जो है पार्ट है आपका पार्टनरशिप फॉर रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का, और ये फोकस कर रहा है कि इन्हेंस किया जाए ग्लोबल ट्रेड एंड कॉपरेशन को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। कॉरिडोर के कॉम्पोनेंट की अगर हम बात करें तो रेलवे लाइन जो है वो ट्रेड को प्रोवाइड करेगा इंडिया और यूरोप के बीच में 40% फास्टर, इलेक्ट्रिसिटी केबल जो है और क्लीन हाइड्रोजन पाइपलाइन ये बूस्ट करेगा क्लीन एनर्जी के ट्रेड को, हाई स्पीड डाटा केबल जो है ये लिंक करेगा इनोवेटिव डिजिटल इकोसिस्टम को वर्ल्ड का, क्रिएट करेगा बिजनेस के अपॉर्चुनिटी को। कॉरिडोर सेगमेंट की अगर हम बात करें तो जो ईस्टर्न कॉरिडोर है ये कनेक्ट करेगा भारत को अरेबियन गल्फ के साथ, नॉर्थन कॉरिडोर कनेक्ट करेगा अरेबियन गल्फ को यूरोप के साथ। ये आपको पता होना चाहिए कौन सा सेगमेंट किसको कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सी रूट होगा कैसे कैसे होगा, रेल रूट है जो कैसे कैसे होगा, तो आपका कौन कौन से जगह को ये टच करेगा, बेनिफिट क्या होगा इसका भारत के लिए। तो ये इन्हेंस करेगा फूड सिक्योरिटी, रीजनल सप्लाई चेन, ट्रेड एक्सेसिबिलिटी, एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, इकोनॉमिक कोहेशन, जॉब क्रिएशन और रिड्यूस करेगा ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को। ये आपका रिलायबल क्रॉस बॉर्डर शिप टू रेल ट्रांजिट नेटवर्क प्रोवाइड करेगा जो कि कनेक्ट करेगा इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इसराइल और यूरोप को। ये ऑफर करेगा इंडिया को एक क्रिशियल रोल के रूप में ग्लोबल कॉमर्स के लिए, डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए और एनर्जी नेटवर्क के लिए चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जगह पे। ज्योग्राफिकल एडवांटेज इसका क्या है, तो इसका जो फर्मली पोजीशन है ट्रेड रूट का ये फैला हुआ है साउथ ईस्ट एशिया से गल्फ, वेस्ट एशिया, यूरोप का, तो ज्योग्राफिकल इंप्लीकेशन भी इसका है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media links. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.